युद्ध भूमि में जो उपयोगिता इन कवचों की होती है, ठीक वही उपयोगिता आध्यात्मिक क्षेत्र में माँ दुर्गा के इस कवच की है। उपासना काल में इसका पाठ करने से साधक की सुरक्षा होती है। कवच पाठ से उपासना निर्विघ्न पूर्ण तो होती ही है, साधक को किसी प्रकार का भय या बाधा नहीं सताती है। उच्च स्वर में पाठ करने से बाधाएं और भय नष्ट हो जाते हैं। यह कवच वराह पुराण में वर्णित है तथा इसके रचयिता हरिहर ब्रह्मा है। ओम नमः चंडिकायै। मार्कण्डेय उवाच, ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणानां यत् तन्न कस्य चिदा आख्यात तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्राह्मणो उवाच, अस्ति गुह्यतमं विप्रा सर्वभूत उपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्र श्रुणु श्रवा महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांड मांडेति चतुर्थकं पंचकं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी इति च सप्तमं कालरात्रि इति महागौरी इति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्माण्ये महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरने विषमे दुर्गमे चैव भय आर्ताः शरणं गताः। न तेषां जायते किंचित् अशुभं रन संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि। येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान् संशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्री गद समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना महेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधारा देवी ईश्वरी वृष वाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्न उपशोभिताः। दृश्यन्ते रथम आरूढ़ा देव्याः क्रोध समाकुलाः शंख चक्र गदा शक्तिम हलम च मुसलायुधम खेटकम तोमरम चैव परशुम पाशमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च शांगमा युद्ध उत्तमम। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारन्ति अयुद्ध अनिथम देवानां च हिताय वै। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्य शत्रुनां भय वर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रिय आग्नेयम् अग्निदेवता दक्षिणे अवस्तु वाराही नेत्र्यां खड़गधारिणी प्रतीच्याम वारुणी रक्षेत वाय वया मृगवाहिनी उदीच्याम पातु कौमारी ऐशान्याम शूलधारिणी उधर्वं ब्राह्मणी में रक्षेत धस तात वैष्णवी तथा एवं दशो दिशा रक्षेत चामुंडा शब वाहना जाया में जागृत पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च अपराजिता शिखाम उद्दो तिनी रक्षमे रक्षे दुमा मूर्धिन व्यवस्थिता मालाधारे ललाटे च भ्रुवो रक्षेत यशस्वनी त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यम घंटा च नासिके शंखनी चक्षुषोर मध्ये श्रोत्रियो द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शंकड़ी नासिकायां सुगंधा च उत्रोष्टे च चर्चिका अधरे चामृत कला जिह्वायां च सरस्वती दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिंबुक रक्षेत वाचम ते सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धारी नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिकां नलकुबरी
स्कंदयोः खड्गिनी रक्षेत बाहु में वज्रधारिणी, हस्तयोः दंडिनी रक्षेत अंबिका चांगुल्युषु च, नखा उच्छलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी अस्तनो रक्षेत महादेवी मनः शोक विनाशिनी, हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी, नाभो च कामिनी रक्षेत गुह्यां गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ़ गुढ़े महिष्वाहिनी, कटायां भवती भवतीं रक्षेत जानुनी विंध्य विंध्य वाशिनी, जांघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी, गुल्फ योर नारसिंही चौपाद पृष्ठे तु तेजसी, पाद अंगुलीशूर श्री रक्षेत पादाध्य तलवाशिनी, नखान दृष्टा कराली च कैश कंसचैव उद्ध्वर्व केशनी, रोमकूपेशु कौवेरी त्वचम वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा अवशा मसान सान सान्य स्थित मेदांसी पार्वती, अंतराती कालरात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी, पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि तथा ज्वालामुखी नख ज्वालाम भेद्या सर्वसिंधुषु, शुक्रम ब्रह्माणि मे रक्षेत रक्षायाम छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेत मे धर्मधारिणी, प्राणा प्राणो तथा व्यान मुद्दान च समान कम वज्रहस्ता चौमे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना, रसे रूपे चौ गंधे चौ शब्दे स्पर्शे चौ योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षोत नारायणी सदा, आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी, यश कृति चौ लक्ष्मी चौ धनम विद्या चौ चक्रिणी, गोत्र मिंद्रानी मे रक्षेत पशुन मे रक्ष चांडिके, पुत्रान रक्षेत महालक्ष्मी, भार्या रक्षतु भैरवी, पथ्यान सुपथा रक्षेत मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर विजया सर्वतः स्थिता, रक्षाहीनम तु यतस्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी, पदम एकम न गच्छेतु यद इच्छेषु इच्छेषु भयात्मनः, कवेच कवेचान वृतो नित्यम यात्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्र अर्थ लाभाश्च विजय सर्वकामिक, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, परमेश्वरम अतुलम प्राप्यस्यते भूतले पुमान, निर्भयो जाते मर्त्यः संगमेषु अपराजितः, त्रैलोक्ये तु भवेत पूज्य कवचेन आवृतः पुमान, इदं तु देव्याः कवचम देवानामपि दुर्लभम, यः पठेत प्रयतो नित्यं त्रिसंध्य श्रद्धा अन्विता देवी कला भवेत अस्तस्य त्रैलोक्येषु अपराजितः, जीवेत वर्षशतम साग्रामं मृत्यु वीरवर्जितः, नश्यति व्याधिया सर्वे लूता विस्फोट कादयः, अस्थावरं जंगम चैव कृत्रिम चापि यद विदिशम अभिचारिणी सर्वाणि मंत्रेन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्च जलजा जलजाः उपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकनीश्च महाबला ग्रह भूत पिता पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्मा राक्षस वेतलाः कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शन अत्यस्य कवचे हृदय संसिते समस्थिते मान उन्नति उन्नति भवेत आज्यम तेजो वृद्धिकरम परमम यशसा वृद्धते सो अपि कृति मंडित मंडित भूतले जपेत सप्तशतीम चंडीम कृत्वा तु कवचम पुरा यावत भूमंडलम धते शौशेव वन काननम तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संतितिः पुत्र पौत्र की देहांते परमम स्थानम यत सुरेरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः लभते रूपम परमम रूपम शिवेन सह मोदते इति देव्याः कवचम संपूर्णम्।